कोलकाता में फिर से रहमत की बारिश हुई है जी। पहले तो देख ले कि हालात क्या है, और अगर आप अपने घर में बैठे हैं और सोने की तैयारी कर रहे थे तो यकीन माने आज एसी की जरूरत नहीं है, और अपने फैन को भी कम स्पीड में चला सकते हैं क्योंकि मौसम हो गया है सुहाना। जी हाँ, दो दिन से पड़ रही कड़कती हुई गर्मी से लोग परेशान थे, पसीने से परेशान थे। हालांकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं था, ये कलकत्ता का मामला है, जबकि पूरा नॉर्थ इंडिया, चाहे दिल्ली हो या फिर राजस्थान या उत्तर प्रदेश, पूरा नॉर्थ इंडिया 50 के ऊपर टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा था, वर्ल्ड टेम्परेचर में हिस्ट्री बना रहा था। उस जगह दो दिन में आने वाले इलेक्शन से पहले मौसम ने मिजाज खुशनुमा बना दिया है। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतनी तेज बारिश हो रही है, अभी से बहज 10 मिनट पहले यहाँ बारिश शुरू हुई है, और इतनी तेज बारिश हो रही है कि मानो के लोगों को गए हुए दिनों में रेमल तूफान की याद आ जाए। लेकिन अच्छा ये हुआ कि इस तूफान के बाद में थोड़ी नमी कमेगी और आपको पसीना आना कम होगा। हालांकि आने वाले दिनों में आपको बताएं कि गर्मी बनी रहेगी, और ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोग खुशी में भीग रहे हैं, गर्मी कम होने की उम्मीद में भीग रहे हैं। आइए आपको यहाँ जितने लोग हैं, आइए इनसे मिलवाते हैं, बात भी करवाते हैं, बात करवाने की कोशिश करते हैं। अब जो भीग रहे हैं उनको तो भीगने का मजा लेने दीजिए, फिलहाल आपको सड़क में दिखाना चाहते हैं कि आप क्या हो रहा है। अच्छा, पहले तो जब आपसे जुड़े हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो दो एक जरूरी बात भी आपसे कर ले। जो भी हमारे व्यूवर्स अभी हमें देख रहे हैं वो जरूर देखें कि ये ऐसे कुछ लोग हैं जो मौका मिलने से ही भीगने की तैयारी में उतर जाते हैं। हालांकि प्लान नहीं था, लग नहीं रहा था कि बारिश होगी और लोग भीगेंगे, लेकिन भीगने का कोई प्लान नहीं होता है और अच्छे मौसम को एंजॉय करने का कोई प्लान नहीं होता है। वैसे ही आप सड़क के दूसरे कोने पे देख लें, बारिश में लोग भीगने वालों की कमी नहीं है। हालांकि मेन रोड में खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। दो दिन में लोकसभा इलेक्शन का वोट देना है कोलकाता वालों को, चाहे नॉर्थ कोलकाता हो चाहे साउथ कोलकाता हो, मिजाज अपना ठीक कर ले। आज से कैंपेन बंद हो चुका है, आज से पॉलिटिकल पार्टीज रैली नहीं निकालेंगी, जोर जोर से आपके कान के पीछे माइक नहीं बजेगा, लेकिन अपना मिजाज ठीक कर ले। अच्छा, कुछ लोग हमसे लोकेशन पूछ रहे हैं, तो आपको बता दे कि ये एपीसी रोड और गैस स्ट्रीट का चौराहा है, जिसे हम राजा बाजार क्रॉसिंग के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल ये राजा बाजार क्रॉसिंग में ये तेज बारिश देखकर, और यहाँ देख ले कि कुछ बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो बाहर निकलने का मौका ढूंढते हैं, और मौका मिलने से ही ऐसे, खास करके ऐसे बारिश के मौसम में भीगने का कोई, एंजॉय करने का कोई कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। ये देख ले लोग किस तरह भीग रहे हैं। हालांकि इलेक्शन के वजह से अभी पुलिस की सख्ती है थोड़ी, तो गाड़ियां रास्ते में कम है, और कल का दिन सिर्फ बचा है, परसों जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन का वोटिंग होना है, तो इस दौरान लोग घर में रहना थोड़ा ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और ऐसा सुहाना मौसम होने के बाद में उम्मीद सिर्फ यही कर सकते हैं कि आने वाले दिन में, मतलब डे आफ्टर टुमारो यानी शनिचर 1 जून 2024 के दिन में, जब आप अपना वोट देने जाए तो इस तरह ही मिजाज ठंडा बनाए रखें, और जब वोट देने की बारी आए तो आप याद रखें, आपको पार्टी कैंडिडेट तो देखना ही है, साथ में ये भी जानना है कि आप अपना मुस्तकबिल उसके हाथ में दे रहे हैं। आने वाले 5 साल के लिए आप उन्हें चुनने वाले हैं, आपके हाथ में पावर है। ऐसा ना हो कि आप छुट्टी मनाने चले जाएं, आप ये ना भूलें कि आपकी चिकित्सा, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी, हमारा फाइनेंसेस, इंडिया का फाइनेंस, इंडिया का बजट, इंडिया का पैसा और इंडिया की इज्जत इस वोट पर बहुत निर्भर है। तो अगर आप वोट करने जा रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, और ये ना सोचें आप कि आज तो भाई छुट्टी का दिन है, घर में बिरयानी बनाते और खाते, और ये भी ना करें कि कोई घर में अगर बिरयानी दे के जाए तो वो भी उसके बदले आप अपना वोट दे दो। तो फिलहाल बात मौसम की हो रही है, तो मौसम की ही करते हैं कि देखें किस तरह बारिश हो रही है और लोग इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि प्लान हमारा भी भीगने का था, लेकिन भीगेंगे हम बाद में, लेकिन पहले आपको ये माहौल दिखाना चाहते हैं। एक खुशनुमा माहौल बन गया है बारिश होने के बाद, और लोग बहुत खुश हैं। जी हाँ, ये राजा बाजार का इलाका है, राजा बाजार क्रॉसिंग है, मेरे बाएं में अगर आप देखें तो आप सियालदा जा सकते हैं, और ठीक मेरे दाहिने में अगर आप जाएं तो मानिकतला श्याम बाजार की तरफ जा सकते हैं, और एग्जैक्ट राइट में अगर आप जाते हैं, फुल राइट अगर जाते हैं, तो वो रास्ता जाता है नाकेल डांगा की तरफ, और आपको उस तरफ अच्छा ये एक जन भीगते हुए दिख रहे हैं। आइए, आप आइए, इधर आइए,
पहले अपना नाम बताइए, करीब आ जाइए थोड़ा, आप अकेले भी गए हमने भी गए, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद गुड्डू है। अच्छा गुड्डू, कैसा लग रहा है, गर्मी से आराम मिला? बहुत आराम मिल रहा है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा, पानी होगा तो भीगेगा। हाँ अच्छा, कहाँ रहते, कहाँ है? तो बगल में रहते, बगल में रहते। काम काज हो गया? काम काज हो गया। हाँ क्या करते हो वैसे? लस्सी बेचते। अच्छा लस्सी बेचते। हाँ तो नहाने का मूड कब से बना हुआ, सवेरे से बना के रखेगा, बारिश होगा भीगेंगे? पूरा बादल लाल हो रहा था, आप बोला बारिश होगा तो भीजेंगे पानी में। रात को नींद तो बढ़िया आएगा। हाँ चलिए अपना आइए। तो ये गुड्डू थे जो यहाँ पे ही रहते हैं और बता रहे हैं कि बारिश होगा तो भीगेंगे और रात को नींद अच्छी आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हालांकि विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन कहूंगा दिखाएं, विदाउट हेलमेट जा रहे हैं जो सही नहीं है। अगर आपको भीगना भी है तो फुल सेफ्टी के साथ, हेलमेट के साथ भीगने की कोशिश करें जी। हाँ मौसम बहुत सुहाना हुआ है और ये देख ले, ये भी भाई जा रहे विदाउट हेलमेट जा रहे हैं भीगते हुए। आपको गाड़ी चला के भीगना है भीगिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको बाइक चला के भीगना है भीगिए, कोई दिक्कत नहीं। उनको देखिए वो कितने अच्छे से हेलमेट पहन के घूम रहे हैं। यहाँ देखिए ये तीन बच्चे एक बाइक में तीनों बैठ के जा रहे हैं और मेरे ख्याल से सिग्नल भी इन्होंने वॉयलेट किया है। ये अनसेफ है, देखिए कुछ हो जाता है ना तो सबको तकलीफ होती है, हमें भी तकलीफ होती है, आपको भी तकलीफ होती है। तो ऐसे मौसम का अगर आपको मजा लुत्फ लेना है, मजा इंजॉय करना है, आपको भीगना है, एक सुकून ये करना है कि कुछ दिनों पहले मेरे घर में बात हो रही थी तो हम बात कर रहे थे कि भाई जो भी हो जाए, जितने भी एसी आप लगा लो, जो भी कर लो, मजा तो बारिश की ठंडे में ही आता है जी। हाँ जब मिट्टी से भीनी एक खुशबू आती है और ये जो नमी है, ये जो खूबसूरत हवा चलती है और रात को आप फैन चला के सोते हैं तो उसका बात ही कुछ और है। तो फिलहाल आपको बताएं कि कल के जो मौसम का हाल है, कल मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री रहने वाला है, बादल रहने की बात है, और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री रहने वाला है। और बड़ी बात यह है कि इंडिया में, हिंदुस्तान में मॉनसून इंटर कर चुका है जी। हाँ केरल की बात करें, अंडमान की बात करें तो मॉनसून इंटर कर चुका है और वेस्ट बंगाल कलकत्ता में खास करके, जब मॉनसून, जहाँ पे मॉनसून जून के पहले 10 दिनों में आ जाता है, हालांकि कुछ देरी हो सकती है, फिर भी जून के दूसरे सप्ताह तक मॉनसून के आ जाने की बात है। जहाँ पे नॉर्थ इंडिया में दिल्ली को फिलहाल, दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या यूपी हो, वहाँ राहत मिलने की चांस कम है। और आपको बताते चले कि दिल्ली में टेम्परेचर तकरीबन 55 डिग्री जी, 53.9 डिग्री, जिसके बाद एक टीवी की रिपोर्ट आई थी कि आईएमडी के डायरेक्टर ने उसको वापस से रिव्यू करने को कहा, क्या ये संभव है कि 55 डिग्री टेम्परेचर हिंदुस्तान के दिल में, दिल्ली में हो जाए? तो ये तो खैर बात की बात है, फिलहाल तो आप ये मौसम को इंजॉय करें और आने वाले दिन में उम्मीद करते हैं कि मौसम ऐसा ही बना रहेगा। फिलहाल के लिए राजा बाजार क्रॉसिंग से मैं शब्बीर हालात बंगाल के लिए इजाजत लेता हूं, शुक्रिया।